2014 के पहले अगर मोदी जी अपना भाषण सुनने ना तो अपने आप को बोल ही ना दे वो, क्यों उनको कोई और मुद्दा तो मिलता नहीं है, कहीं धर्म को लेकर, कहीं भगवान रंग, कहीं ये रंग, कहीं वो रंग। आप तो मध्य प्रदेश से संकट में हैं। धर्म खाने को देगा सर, धर्म खाने को देगा। लेकिन सर मैं सिर्फ इतना जानूंगा, ये हमें पार्टी नहीं चाहिए, बीजेपी नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए पार्टी सर। शादी करने से डर लगता है, शादी करने से भी डर लगता है। क्यों नहीं लगेगा डर, खिलाएंगे क्या? क्योंकि वो तो दिखा देनी, आपने बंद कर दिया, इसलिए बंद कर दिया। टीवी न्यूज चैनल वाले हैं वो कुछ नहीं दिखाते सर, हम तो गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, हमारे पास नहीं है सर, हमारे पास नहीं कि हम धर्म का झंडा पहन के या चोला पहन लें और सर वहाँ इस मंदिर जाएं, उस मंदिर जाएं, इस बाबा का समर्थन करें, हमारे पास हिम्मत नहीं है, क्योंकि हम इतना पैसा हमारे पास हमारे बाप ने नहीं दिया। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DSO न्यूज़ में। इन दिनों दो तीन जो मुद्दे हैं बहुत ज़्यादा हावी हैं, चाहे सोशल मीडिया हो, डिजिटल प्लेटफॉर्म हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। एक बागेश्वर धाम बाबा जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं वो लगातार चल रहे हैं, उस पर बड़ी मीडिया तमाम उससे बातचीत करनी चाहती है। और दूसरा जो मुद्दा है वो है पठान। सवाल ये है कि पठान तो ठीक है, चल रहा है जैसे तैसे करके, रिलीज भी हो गया, पर्दे पे भी उतर गई, लोग लगातार पब्लिक उसको देख भी रही है, सुपरहिट भी करा दिया उसको लेकर के, बागेश्वर बाबा का अपना काम धाम सब कुछ चल रहा है। लेकिन सवाल ये है कि जो पढ़े लिखे जो युवा है, जो रोज़गार की चाहत में अपने घरों से 2,000 किलोमीटर से दूर आते हैं, उन युवाओं के मन में क्या कुछ चल रहा होता है। एक तरफ देखा जाए तो बीजेपी के फायर ब्रांड जो नेता हैं अपनी चुनावी प्रक्रिया में उतर चुके हैं, लगातार अन्य राज्यों में जाकर के चुनावी की तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन कोई भी युवाओं के मन की बात जानने की कोशिश नहीं कर रहा है। आखिर युवा इतना पढ़ लिख करके करेगा क्या, घर का लालन पोषण कैसे करेगा, जिनके माँ बाप लाखों रुपए लगा करके पढ़ाते हैं लेकिन रोजगार नहीं मिल पाता है। हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं, ब्रिज कुमार जी हैं, इनसे तो नाम इनसे ही जानकारी ले लेंगे, चौधरी साहब हैं और ये रहने वाले मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश में तमाम दिनों में जो भी खबरें चली हैं वो किसी छुपा नहीं है, लेकिन रोजगार पाने के चक्कर में मध्य प्रदेश से दिल्ली में आ गए हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सवाल ये है कि इनके मन में क्या कुछ चल रहा है, एक तरफ पठान, बागेश्वर धाम, अब युवा क्या चाहता है, आप क्या चाहते हैं सर? सर मैं ये चाहता हूँ, सर अपना नाम बता। सबसे पहले मेरा नाम ब्रिज कुमार चौधरी है, मैं मध्य प्रदेश के पन्ना डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ और मैंने ग्रेजुएशन में बीए किया हुआ है। और मैं ये सर सवाल है मेरा सीधे से डायरेक्ट सरकार से सवाल है मेरा, उनको सारे मुद्दे दिखते हैं, उनको पठान मूवी का मुद्दा दिख गया, फिर उनको बागेश्वर धाम वाले मुद्दा दिख गए। सर उनको एक बात बताइए, हम लोग जो बेरोजगार घूम रहे हैं, पढ़े लिखे युवा घूम रहे हैं, वो क्यों उनको मुद्दा नहीं दिखता? कोई भी न्यूज़ एंकर या कोई भी न्यूज़ चैनल हमें आज तक हमसे ये नहीं किसी ने पूछा कि भाई साहब आप क्यों घूम रहे हैं, आप इतने पढ़े लिखे हो फिर भी आप लोगों को बेरोजगार हैं, नौकरी क्यों नहीं मिल रही है, ये सर कोई सवाल करता नहीं है। पहली बार मैं बताना चाहूँगा, आपने बोला था अभी कि मतलब जो पढ़ लिख करके क्या करोगे, हम लोग क्या करेंगे, मोदी जी ने बोला था हम लोग पकौड़े तलेंगे, सर पकौड़े तल लेते, लेकिन सर एक बात बताइए, हम लोग पढ़ाई क्यों करी है फिर तो बात ये हो गई ना, जो लोग पकौड़े ऑलरेडी तल रहे हैं ठीक है, तो फिर सर हम लोग कहाँ पे, हम लोग को जगह कहाँ मिलेगी फिर पकौड़े तलने के लिए, उसमें भी तो कंपटीशन हो जाएगा ना सर। और फिर अरे चलो ठीक है पकौड़े तल लिए हमने, फिर उसका तेल का आज रेट दिखा है, तेल का रेट क्या है, आपने बेरोजगारी, आपने महंगाई, आपको बता दूं मैं, 2014 के पहले, 2014 के पहले अगर मोदी जी अपना भाषण सुनने ना तो अपने आप को बोल ही ना दें वो, क्यों? उसका रीज़न एक है, उसका उन्होंने ये क्या बोला था, महंगाई के ऊपर सर उन्होंने बात कही थी 2014 के बाद उन्होंने कही नहीं है। और दूसरी चीज़, दूसरा मुद्दा ये है कि उनको ये मूवी लेकर के, ये धर्म का धंधा लेकर के, सर मैं तो ये कहता हूँ उनके पास जो युवा हैं आजकल के बेरोजगार हैं उनके लिए कोई मुद्दा नहीं बचा है, उनको साफ साफ अपना चुनाव दिखता है, जो चुनाव रैली दिखती है उनको फंडिंग आती है बड़ी बड़ी कंपनियों से, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं उनसे फंडिंग आती है, रोजगार तो है ही नहीं सर। युवाओं के लिए सोचेगा कौन, आखिर युवाओं का हितैषी कौन बनेगा? युवाओं का हितैषी आज तक तो मुझे नहीं लगा सर कि कोई पार्टी बनी है, मुझे नहीं लगता। बीजेपी सरकार में कहा जा रहा था प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार मिलेगा युवाओं को, मुझे तो नहीं मिला। अच्छा चलो ठीक है, अगर कोई ये कहता कि वैकेंसी आई है, चलो भाई कितनी वैकेंसी आई है मुझे बता दो, मुझे ये बता दो नोटिफिकेशन कहाँ है, वो नोटिफिकेशन अभी आया है, कुछ नोटिफिकेशन आते हैं, चलो ठीक है। इस देश की आबादी कितनी सर, 140 करोड़ समथिंग, और भी ज्यादा है, रोज पैदा हो रहे, रोज मर रहे सर। वैकेंसी कितनी दे रहे हैं, वैकेंसी कितनी है, 6,000-7,000, क्या करेगा बाकी? चलो ठीक है मान लीजिए 1 करोड़ स्टूडेंट हैं और वैकेंसी निकली कितनी, 12,000। अब 1 करोड़ में से चलो 70 लाख 80 लाख या फिर 50 लाख रुपए फॉर्म, 50 लाख फॉर्म भर रहे हैं, फिर पास कितने होंगे, पास तो होंगे 13,000 जितनी वैकेंसी है, बाकी क्या करेगा, पकौड़े तलेगा, क्या करेगा? सवाल है ये, हमारा सवाल है ये सरकार से,
कि उनको कोई और मुद्दा तो मिलता नहीं है, कहीं धर्म को लेकर, कहीं भगवान रंग, कहीं ये रंग, कहीं वो रंग। आप तो मध्य प्रदेश से आते हैं महाराज, मध्य प्रदेश में क्या हाल चाल है, कैसा युवाओं का? मध्य प्रदेश में कुछ हाल चाल नहीं है, मध्य प्रदेश के युवा बेचारे बेरोजगार है, कुछ नहीं करते। राज्य मंत्री को तो कुछ और ही दिख रहा है। गृह राज्य मंत्री तो कुछ नहीं, गृह राज्य मंत्री को तो ऐसा है, कुछ लोग जाके वहाँ पे धरना कर रहे हैं तो पुलिस वालों से लाठी चार्ज करवाए। अभी वो वर्ग 3 का चल रहा था ना सर, वर्ग 3 का, वहाँ पे लाठी चार्ज करवाए, बोले हमारे पास नौकरी है ही नहीं, आप लोग, हम लोग वैकेंसी निकालते हैं, आप पास होते नहीं। अरे तो वैकेंसी निकालते तो, लेकिन कितनी ये भी तो माने रखता है सर कि वैकेंसी कितनी निकाल रहे हैं आप। ये युवा ज़्यादा है तो वैकेंसी भी तो ज़्यादा दो, कम से कम 50% तो दो डायरेक्टली। अच्छा, आप क्या चाहते हैं कि सरकार क्या करना चाहिए था और इस समय में क्या हो रहा है युवाओं के लिए, क्या खास करके? युवाओं के लिए मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि जो मोदी जी ने वादा दिया था 2 करोड़ रोजगार का, वो तो इतना ही करते, मेरे लिए उतना ही काफ़ी है कम से कम। हाँ, आप रोजगार के चक्कर में पड़ा है, धर्म बचाइए, धर्म इस समय बड़ा संकट में है। धर्म खाने को देगा सर, धर्म खाने को देगा? हम चले ठीक है, आज हम चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नौकरी नहीं कर रहे, आज हमें धर्म खाने को दे रहा है, आज हम प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहे हैं, और प्राइवेट सेक्टर वाले हमें सर गधों की तरह काम कराते, सर गधों की तरह काम कराते, एलिजिबल है, एजुकेटेड है, हर चीज़। और मैं अपनी बताऊँ, मैं तो एक नेशनल प्लेयर हूँ सर, मैं एक नेशनल प्लेयर हूँ, नेशनल प्लेयर हूँ सर। क्या क्या इवेंट में 200 मीटर रनिंग करता हूँ। अच्छा, यस सर। क्या क्या मिला मुझे, कुछ मिला है? कुछ नहीं मिला मुझे, कुछ नहीं मिलता सर, मैं बता रहा हूँ। आज अभी कुछ मुद्दा चल रहा था आपके यहाँ जंतर मंतर में, कुछ खिलाड़ी बैठे थे और जो भारतीय जनता पार्टी के, जो मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, मैं तो सिर्फ ये कहूँगा जो ये नेता होते मुझे उन पर विश्वास नहीं है। वो मैं मोदी जी पे विश्वास है आपको? किस पे? मोदी जी पे। मोदी जी पे विश्वास था इसलिए हमने वोट दिया उनको, लेकिन उन्होंने 2 करोड़ देने का वादा किया था रोजगार का, आज तो हमारे पास है ही नहीं। हमें बता दे अगर कहीं भी नॉमिनेटेड हो कि मैंने दिया है तो मैं बिल्कुल मान जाऊंगा उसके लिए। चलिए, युवाओं की बातें जो हैं युवा ही समझ सकते हैं, क्योंकि जब युवा घर से चलता है, जब पढ़ाई लिखाई कंप्लीट कर लेता है, तो उसके आगे ना कुछ दिखाई देता है ना ही कुछ पीछे दिखाई देता है, क्योंकि वो रास्ता बनाने के लिए निकलता है। और फिलहाल जब सोचिए अपने स्थिति, अपने हालात को लेकर के खुद का जीवन यापन नहीं कर पाए, और उसके पीछे जब सोचिए एक फैमिली आ जाए, तो सोचिए क्या हो पाता है, मन में क्या कुछ चल रहा होता है। लेकिन सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि आखिर ऐसे अच्छे खासे युवाओं को सरकार कब देखेगी, चाहे कोई भी सरकार हो। चुनाव के समय में युवाओं को जो है हमेशा याद किया जाता है, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे किसी भी राज्य का चुनाव हो, युवाओं की भागीदारी सबसे अच्छी होती है। लेकिन ऐसे युवाओं को क्या कहना चाहेंगे जो युवा कहते हैं कि भाड़ में जाए महंगाई, भाड़ में जाए बेरोजगारी, लेकिन मुझे चाहिए तो धर्म से रिलेटेड ही सरकार चाहिए जो धर्म की रक्षा कर सके, आप इसको लेकर? हाँ, तो उसको लेकर मेरा यही है कि उनके जो लोग ये कहते हैं, भाई अच्छी बात है, उनके पास शायद धन होगा, उनके पास धन संपत्ति होगी, शायद उनके बाप दादा भी अच्छी अच्छी पार्टियों से बिलोंग करते होंगे। मैं उनके लिए सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि जो ऐसी बात करते हैं कि मेरे पास, मुझे धर्म बचाना है और मुझे धर्म बचाना है और मुझे रोजगार से कोई मतलब नहीं है, तो मैं उनके लिए कहूँगा हम कोई बात नहीं, मुझे उनके लिए सिर्फ ये है कि आपके पास शायद धन हो सकता है, मैं गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ और मुझे तो जॉब चाहिए, उसके लिए मैं सरकार से दरख्वास्त करूँगा कि ऐसे युवाओं के लिए स्पेशली वो जॉब निकाले। स्पेशली क्या, सबके लिए जॉब निकाले यार, सबके लिए जॉब निकाले। हम लोग पढ़े लिखे युवा क्या करेंगे, ऐसे रोडों में सड़कों में घूमेंगे फिरेंगे, प्राइवेट सेक्टर में जॉब करेंगे, हमारा शोषण होगा, शोषण होते होते एक दिन हम खत्म हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा हमारे पास, फिर हमारे बच्चे क्या करें? हम शादी करने से डर लगता, शादी करने से डर लगता है, शादी करने से भी डर लगता है। क्यों नहीं लगेगा डर, खिलाएंगे क्या आप बताइए, जब हमारे पास रोजगार ही नहीं होगा तो। अच्छा, और दूसरी चीज़, अगर कोई कहता है, अगर चलो ठीक है, मुझे कोई सुन करके ये बोलेगा कि भाई इतनी सारी वैकेंसी तो आ रही हैं, तुम फॉर्म क्यों नहीं डालते? फॉर्म डालने के लिए तैयार हैं, वैकेंसी भी आ रही है, हम तैयार हैं, लेकिन ये भी तो देखे कितनी वैकेंसी आ रही हैं, कितनी आबादी हमारे देश की, ये भी तो देखा जाएगा ना। एक थाली है, अगर उसके खाने वाले 10 हैं तो फिर थाली कितनों को पूजेगी सर? भूखे पेट रह जाएंगे ना सर। हम तो गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, हमारे पास नहीं है सर, हमारे पास नहीं कि हम धर्म का झंडा पहन के या चोला पहन लें और सर वहाँ इस मंदिर जाएं, उस मंदिर जाएं, इस बाबा का समर्थन करें, हमारे पास हिम्मत नहीं है, क्योंकि हम इतना पैसा हमारे पास हमारे बाप ने नहीं दिया। युवाओं के लिए अच्छे दिन आए कि नहीं आए? युवाओं के लिए कौन से अच्छे दिन, कौन से अच्छे दिन भाई, अच्छे दिन कौन से, मुझे समझ में नहीं, आप ही बता दीजिए सर, मेरे मुझे तो नहीं पता युवाओं के अच्छे दिन हैं। युवाओं के कोई अच्छे दिन नहीं है सर, मैं बता रहा हूँ, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इनके पास 2-3 मुद्दे होते हैं। इस बार युवा क्या चाहता है? लोकसभा का चुनाव बहुत कम समय दिन रह गए, मुश्किल से मुझे लगता है कि बहुत कम ही समय रह गया, और अभी से चुनावी तैयारियों में सभी अन्य पार्टियां लग गई हैं, जितनी पार्टियां। युवाओं के लिए क्या है, क्या सवाल आप करना चाहते हैं और क्या आप लोगों के मन में चल रहा है? मेरा तो सिर्फ ये है सर, अगर मेरा कोई माने तो एक वोट अपना एक मत होता है, और वो मैं किसी को शेयर नहीं करूँगा और ना ही मैं किसी पार्टी से बिलोंग करता हूँ, लेकिन सर मैं सिर्फ इतना जानूंगा ये हमें पार्टी नहीं चाहिए,
बीजेपी नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए पार्टी सर। अगर जो देश के युवाओं के बारे में नहीं सोचती है, मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि मुझे ये नहीं चाहिए, ये जो पार्टी है मुझे नहीं चाहिए। चलिए आखिरी सवाल है मेरा आपसे चौधरी साहब कि टीवी अखबार मीडिया तो कभी युवाओं को लेकर के बात ही नहीं कर रहा है, ना बेरोजगारी पे और ना ही महंगाई पे, क्या कुछ कहना चाहते हैं, कैसा माहौल बना? हाँ, इसके बारे में सर मैं तो आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। बाकी टीवी मीडिया के बारे में तो सिर्फ मैं नहीं कहूँगा सर, सब बिके हुए हैं क्योंकि सबके सब तो कहीं इस बाबा के यहाँ कहीं उस बाबा के यहाँ अपना पूरा कैमरा लेकर बोरिया बिस्तर लेकर बैठ गए। दिखाने का टाइम है। हाँ, वही दिखा दे ना, उसमें उनको DRP मिलेगी, पैसा मिलेगा, हर चीज मिलेगा ना, युवाओं के बारे में कौन सुनेगा? युवा तो बेचारा बेरोजगार है ना उनके। आज चलो ठीक है, आज मैं जंतर मंतर आया हूँ, आपने मेरी बात किसने सुनी? यहाँ पे तो मुझे कोई भी नहीं दिख रहा टीवी चैनल वाला, मुझे नहीं कोई दिख रहा। हाँ। मुझे तो केवल आप जैसे लोग जो मतलब दिखा रहे हैं, बाकी तो टीवी चैनल वाले तो सर मुझे विश्वास नहीं रहा, और ना ही मैं अपने घर की टीवी में टीवी चैनल डिलीट कर रखे हैं क्योंकि वो तो दिखाते नहीं। आपने बंद ही कर दिया? बंद कर दिया, इसलिए बंद कर दिया क्योंकि जो न्यूज चैनल वाले हैं, टीवी न्यूज चैनल वाले हैं, वो कुछ नहीं दिखाते सर, वो बिल्कुल नहीं दिखाते। चलिए आपको जॉब के लिए लेट होगा, जाइए जाइए, आपके दोस्त याद रखें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बेशकीमती समय दिया। चलिए हमारे साथ एक युवा साथी मौजूद रहे जिनसे हमने खासा बातचीत कर रहे थे उस बात को लेकर के कि आखिर टीवी अखबार मीडिया में तमाम मुद्दों पे चर्चा किया जाता है, चाहे धर्म से रिलेटेड हो, चाहे पठान फिल्म को लेकर के हो, चाहे किसी राजनीतिक पार्टियों को लेकर के हो, लेकिन युवाओं की बातें कौन सुनेगा? युवाओं के मन में ऐसे हालात में क्या कुछ चल रहे होते हैं वो कौन बात करेगा? और ख़ास करके तब जब बेरोजगारी का आलम ऐसा हो, जब ढूंढने से नौकरी ना मिले, महंगाई का ऐसा आलम हो कि एक वक्त का पेट पालन ना कर सके। फिलहाल आप सबके मन में क्या कुछ चल रहा हो इस युवा की बातों को सुनकर के, ये युवा है, सब कुछ जानता है, पढ़ा लिखा युवा था। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, देखते हैं डिस्को न्यूज़। धन्यवाद।